ओह श्री गणेशाय नमः। मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में कई ऐसी बड़ी बातों का ध्यान रखना ही आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। जी हाँ मित्रों, बहुत ही सारी आपके जीवन में खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। आने वाला 4 दिन किस प्रकार से होने वाला है? जी हाँ मित्रों, श्री शुभाय नमस्तोभ्यम। 21, 22, 23 और 24 मई का समय, जो कि समय के साथ अपने आप को दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होंगी। जमे जायदाद लेने का मौका 4 दिनों के अंतराल मिल सकते हैं। घर बनाने का मौका मिल सकता है। वाहन कार्य इत्यादि अपने जान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताएंगे आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, आप सभी के लोगों को कौन सा वह कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतनी हो सकती हैं, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, समय आप लोगों के जीवन पर प्रतीक्षा कर रहा है। हर एक चीज़ परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाली है। हर एक प्रकार की परिस्थितियों को बेहतर करने के मौके जीवन भर मिल सकती हैं। यदि आप इस दौरान खुशनुमा जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो आने वाला समय इसके लिए आपको अपना जिद्दी और अडल रवैया दरकिनार करने की सबसे अधिक आवश्यकता होने वाली, क्योंकि इनसे आपकी समय की बर्बादी मिलने के साथ साथ आप सभी के लोगों को दूसरों से अपने अच्छे संबंध भी खराब करने पड़ सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में राहु 8वें भाव में मौजूद हो चुके हैं और इसके चलते इस दौरान आपको धन तो लाभ होगा, परंतु आप इस धन से खुश नहीं होंगे, क्योंकि प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक कुछ कम ही लगेगा और इनसे संभव हो चुका है कि आपको कुछ निराशा हो जाए। ऐसे में इस बात को समझने की ज़रूरत रहेगी कि मनुष्य को जितना भी मिल जाए उसकी इच्छाएँ कम नहीं होती, इसीलिए आपको इतने ही धन में खुश रहने सीखने की आवश्यकता होने वाली है। पारिवारिक जीवन में आपको इस दौरान हर परिस्थितियों में अपने विवेक का इस्तेमाल करके उनमें सुधार करने की ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि संभव हो चुका है कि आपका घर पर कुछ अधिक समय व्यतीत करना घर के बच्चों को खराब आदतों और रोशनी डालने में मदद कर सकता है, जिसके कारण भी आप उनके लिए कुछ नियम बनाते हुए अपनी पढ़ाई पर धन भी कुछ खर्च ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन करने से दिखाई दे सकते हैं। आप सभी के द्वारा साझेदारी में किए गए हर एक कार्य आखिरकार आपके केरड के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगी क्या, लेकिन इसके लिए आपको संभव हो चुका है कि बीच बीच में आपको उनसे भागीदारी से विरोध के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षाओं के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही समय मनचाही परिणाम पाने के लिए अपने से बड़ों और शिक्षकों की मदद ले ली जाएंगे। ऐसे में इस बात को समझें, यदि आप अकेले ही हर विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा खर्च एवं ऊर्जा समय को व्यतीत करना होगा, इसलिए इसके लिए बेहतर होगा कि पढ़ाई को करते समय बड़ों की मदद लें। बुधवार के दिन माता लक्ष्मी नगरी नारायण हवन योग करना जरूरी होगा और जीवन में बहुत सारी खुशहाली प्राप्त होंगी। आपकी चंद्र राशि में शुक्र आपके दास के भाव में महसूस होंगे। आपकी राशि के जातक प्रेमी स्वभाव से भावुक और गैर करने वाले होंगे, यही वजह है कि यह सफल प्रेमी बन सकते हैं। आप सभी खुशी इस दौरान प्रेमी योग बन सकते हैं। इस दौरान प्रेमी जातकों को अपने प्रेमी से सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इस दौरान वह आपकी उनके देखभाल करते दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक हो जाने से आपका स्वभाव हंसमुख प्रतीक होगा, जिसके कारण भी आप शादी शुदा जिंदगी से जुड़े कुछ चुटकुले सोशल मीडिया से पढ़कर अपनी शादी को भेज सकते हैं। जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं। जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके जीवन पर